Hey guys, welcome back to our channel Bollywood Bustle. मैं विंध्या. आज की टॉप खबरें सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया है इन दो लोगों को. कल सुबह सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग ने पूरे देश को हिला के रख दिया. सूत्रों की माने तो आज सुबह मुंबई की क्राइम ब्रांच ने दो लोगों को हिरासत में लिया है जिन्होंने रिपोर्टेडली उन शूटर्स को बाइक्स बेची. रिपोर्ट्स के अनुसार इन दोनों में से एक रायगढ़ से है और वो एक बाइक का ओनर है. रिपोर्टेडली अथॉरिटीज ने 15 लोगों की इन्वेस्टिगेशन की है अभी तक और विशाल एके कालू नामक एक इंसान को अरेस्ट किया गया है. रिपोर्टेडली कालू लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का एक मेंबर है जिसने पहले भी सलमान खान को मारने की धमकी दी है. पुलकित सम्राट और कृति खरबंदा ने शेयर की अपनी वेडिंग वीडियो. बी टाउन एक्टर्स पुलकित और कृति ने पिछले महीने दिल्ली में शादी की थी और आज अपने 1 month एनिवर्सरी पर अपने वेडिंग की एक वीडियो शेयर की उन्होंने जो हर जगह वायरल हो रही है. वीडियो में पुलकित और कृति ने सिर्फ अपने वेडिंग फंक्शंस की मौज मस्ती नहीं दिखाई बल्कि पुलकित ने कृति के लिए जो लव लेटर लिखा था उसकी भी झलक दी गई है. इस वीडियो की सबसे खास मोमेंट है जब मंडप में कृति को देखकर पुलकित खुशी से रो पड़ते हैं. ऑडियंस इस क्लिप को देखने के बाद पुलकित की खूब तारीफ कर रही है. केकेआर के मैच में शाहरुख खान के इस जेस्चर ने जीत लिया सबका दिल. कल अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को सपोर्ट करने शाहरुख खान उनकी बेटी सुहाना, बेटे अबराम और अनन्या पांडे के साथ स्टेडियम आए थे. अनन्या और सुहाना ने स्पेशल डे की झलकें अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर की. स्टेडियम से तो शाहरुख खान की कई पिक्स और वीडियोस रिलीज हुई लेकिन एक वीडियो है जो पूरे इंटरनेट पर छा गई है. उस वीडियो में हम देख सकते हैं कि मैच खत्म होने के बाद सब अपने केकेआर फ्लैग्स स्टैंड में बिखराकर चले गए लेकिन शाहरुख खान ने उन्हें इकट्ठा किया और एक साथ रखा. शाहरुख खान की इस जेस्चर को देख के लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कितने डाउन टू अर्थ है. इसके अलावा मैच से शाहरुख खान की एक और आइकॉनिक मूवमेंट भी वायरल हो रही है. मैच शुरू होने से पहले शाहरुख खान अपनी टीम के ड्रेसिंग रूम में गए थे और प्लेयर्स को मोटिवेट करते हुए उन्होंने कहा कि सबको यूनिटी के साथ खेलना चाहिए और वो काफी खुश है अपनी टीम की परफॉर्मेंस से. शाहरुख खान ने ये भी कहा कि सीनियर प्लेयर्स को जूनियर प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए. शाहरुख खान की ये वीडियो आज हर जगह छाई हुई है और लोग कह रहे हैं कि ये देखकर उन्हें चक दे इंडिया में शाहरुख खान की 70 मिनट वाली स्पीच याद आ गई. ब्राइड टू बी राधिका मर्चेंट के लिए जानवी कपूर ने थ्रो की एक स्पेशल पार्टी. जानवी कपूर ने आज अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने अंबानी खानदान की होने वाली बहू राधिका मर्चेंट के लिए एक प्रिंसेस थीम्ड स्लम्बर पार्टी थ्रो की कल. इस पार्टी से जानवी ने कई पिक्चर्स शेयर की जहां हम देख सकते हैं कि सारी लड़कियां पिंक नाइट सूट में ड्रेस्ड है. इनफैक्ट जानवी ने एक और पिक्चर शेयर की ये बताते हुए कि दूल्हे अनंत अंबानी और उनके दोस्तों ने भी इस पार्टी को गेट क्रैश किया और उनमें जानवी के बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया भी मौजूद थे. रणबीर कपूर की रेट्रो लुक क्यों वायरल हो रही है. एनिमल के बाद रणबीर कपूर अब गेटअप कर रहे हैं नितेश तिवारी की रामायण के लिए और इस बीच उनके दूसरे फिल्म की पोस्टर रिलीज हुई है. इस पोस्टर में रणबीर लंबे बालों के साथ एक रेट्रो लुक में नजर आ रहे हैं और इस पोस्टर पर लिखा है कि इस फिल्म का नाम है द अल्टीमेट फाइटर और ये रोहित धवन द्वारा डायरेक्टेड है. हालांकि इस प्रोजेक्ट की कोई भी डिटेल्स रिवील नहीं हुई है लेकिन सोशल मीडिया पे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद ये एक नया एड है. अब इस पोस्टर के पीछे की वजह तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगी. कंगुआ की एक मेजर अपडेट दी आज सूर्या ने. सूर्या और बॉबी देओल की अपकमिंग फिल्म कंगुआ को लेके फैंस काफी एक्साइटेड है. रिसेंटली फिल्म की पहली टीजर भी ड्रॉप की गई जिसमें हमने सूर्या और बॉबी की लुक्स देखी और आज सूर्या ने अपने फैंस को एक मेजर सरप्राइज देते हुए फिल्म की नई पोस्टर रिवील की जिसमें वो एक नहीं बल्कि दो लुक्स में नजर आ रहे हैं. एक लुक में सूर्या आदिवासी की तरह नजर आ रहे हैं और दूसरे लुक में वो एक मॉडर्न इंसान की तरह नजर आ रहे हैं. इस पोस्टर से कंफर्म हुआ है कि वो फिल्म में दो रोल्स निभाने वाले हैं. क्या भूमि पेडनेकर ने करवाई है प्लास्टिक सर्जरी. भूमि पेडनेकर ने रिसेंटली अपनी बहन समीक्षा के साथ एक वीडियो पोस्ट की जिसके कमेंट्स में लोग भूमि और उनकी बहन को ट्रोल करने लगे प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए. लोगों का कहना है कि ट्विंस ना होने के बावजूद भूमि और उनकी बहन ऑलमोस्ट सेम दिखती है तो शायद इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी. एक यूजर ने इनके पोस्ट पर कमेंट किया इनकी लिपस्टिक नहीं शायद इन दोनों का सर्जन सेम है. तो इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए समीक्षा ने लिखा नहीं हमारे माँ बाप सेम है. ये कमेंट आज सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है.
क्या फायरिंग इंसिडेंट के बाद सलमान खान अपनी फिल्म्स की शूटिंग डिले करने वाले हैं? कल सलमान खान के घर के बाहर जब से फायरिंग हुई है तब से लोग क्यूरियस हो गए हैं जानने के लिए कि क्या सलमान इस मेजर इंसिडेंट के बाद घर से बाहर निकलेंगे या नहीं कुछ दिनों के लिए। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने अपनी टीम को ऑर्डर्स दिए हैं कि इस इंसिडेंट की वजह से उनकी स्केड्यूल या शूटिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और वो किसी भी शूट को पोस्टपोन नहीं करेंगे। रिपोर्टेडली सलमान इस इंसिडेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते और दूसरे चीजों पर फोकस करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री के सारे दोस्तों से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो उन्हें आकर गैलेक्सी में विजिट ना करें क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट सलमान ने अपनी टीम से कहा है कि शूटर्स चाहते ही है कि वो सब कुछ छोड़कर उन पर फोकस करें, लेकिन सलमान ऐसा नहीं करने वाले। रिपोर्टेडली कल से सलमान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इनफैक्ट मुंबई के CM एकनाथ शिंदे ने कल सलमान से बात की है और उन्होंने सलमान को स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के ऑर्डर्स भी दिए हैं। आपको बता दें कि सलमान खान अगले महीने से AR मुर्गदोस और साजिद नाडियाडवाला की फिल्म सिकंदर की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। राजकुमार राव और जानवी कपूर की मिस्टर एंड मिसेस माही की पहली पोस्टर हुई रिलीज। कल धर्मा मूवीज और फिल्म के लीड एक्टर्स ने अनाउंस किया कि जानवी कपूर और राजकुमार राव स्टारर मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और आज करण जौहर ने इस फिल्म की पहली झलक रिलीज की है। पोस्टर में हम देख सकते हैं कि जानवी और राजकुमार स्टेडियम में इंडिया की जर्सीज पहने हुए चीयर कर रहे हैं। इस पोस्टर में इनके कैरेक्टर्स के नाम भी रिवील किए गए हैं, जो है महिमा और महेंद्र। भुवन बाम अब नजर आने वाले हैं इस वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस के ऑपोजिट। भुवन बाम ने रिसेंटली अपने वेब सीरीज ताजा खबर सीजन 2 की अनाउंसमेंट की और अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक भुवन ने ताजा खबर सीजन 2 की शूटिंग पूरी कर ली है और वो एक और प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो यह भुवन के प्रोडक्शन हाउस के बाहर उनकी पहली प्रोजेक्ट है और ये एक मर्डर मिस्ट्री है जिसमें भुवन के ऑपोजिट एक फेमस 90s हीरोइन नजर आने वाली है और भुवन बहुत एक्साइटेड है उनके साथ काम करने के लिए। सुहाना खान की बिग स्क्रीन डेब्यू में शाहरुख खान ने इन्वेस्ट किया है ये भारी रकम। सुहाना खान अपना बिग स्क्रीन डेब्यू करने वाली है शाहरुख खान के साथ एक्शन थ्रिलर किंग में और आज इस फिल्म से जुड़े एक क्लोज सोर्स ने रिवील किया है कि सिद्धार्थ आनंद और सुजॉय घोष इस प्रोजेक्ट को लेके काफी एम्बिशियस है और इस फिल्म की प्री प्रोडक्शन पिछले एक साल से चल रही है। सूत्रों के अनुसार मेकर्स इस फिल्म की एक्शन और स्टोरी टेलिंग को काफी लार्ज स्केल पर शूट करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मेकर्स ने विदेश से एक्शन टीम को हायर किया है फिल्म के लिए। सिद्धार्थ आनंद खुद एक्शन टीम के साथ मिलकर स्टंट्स डिजाइन कर रहे हैं और इस फिल्म में रियल टाइम एक्शन सीक्वेंसेस और VFX का मिक्स देखने को मिलने वाला है हमें। सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म को एक ग्लोबल हिट बनाना चाहते हैं और इसी के चलते वो फिल्म के हर एक एस्पेक्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से शूट करेंगे, कहा फिल्म से जुड़े उस क्लोज सोर्स ने। सूत्रों की माने तो किंग की बजट 200 करोड़ के आसपास होने वाली है और इसे खुद शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस करने वाली है। आपको बता दें कि सुहाना और शाहरुख खान अगले महीने से मुंबई में किंग की पहली स्केड्यूल की शूटिंग शुरू करेंगे जिसके बाद फिल्म की दूसरी स्केड्यूल की शूटिंग अगस्त में की जाएगी। सूत्रों की माने तो इस बीच सुहाना एक्शन ट्रेनिंग लेगी। विक्रांत मासी की द साबरमती रिपोर्ट हुई पोस्टपोन। 12th फेल की सक्सेस के बाद लोग विक्रांत मासी की अपकमिंग फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को लेके काफी एक्साइटेड थे। इनफैक्ट फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है और मेकर्स ने रिसेंटली फिल्म की टीजर भी रिलीज की थी जिसमें विक्रांत की पावरफुल परफॉर्मेंस ने सबको क्यूरियस कर दिया। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक साबरमती रिपोर्ट May 3rd को अब रिलीज नहीं होने वाली है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा इलेक्शंस और कुछ सेंसर इश्यूज के चलते मेकर्स अब इस फिल्म को जून में रिलीज करने वाले हैं। क्या कार्तिक आर्यन और कंगना रनौत की फिल्म्स का होने वाला है क्लैश? रिसेंटली मेकर्स ने अनाउंस किया था कि कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन जून 14th को रिलीज होने वाली है, लेकिन आपको बता दें कि इसी दिन कमल हसन की हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म इंडियन 2 भी रिलीज होने वाली है। हालांकि खबरें आई थी कि शायद मेकर्स इंडियन 2 को एक दिन पहले यानी जून 13th को रिलीज करे, लेकिन आपको बता दें कि कंगना की फिल्म इमरजेंसी भी अपने रिलीज के लिए गियर अप कर रही है और फिल्म से जुड़े एक क्लोज सोर्स ने आज रिवील किया कि मेकर्स जून रिलीज को ही टारगेट कर रहे हैं और वो भी जून 14th को ही शायद फाइनलाइज करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि जब 3 मेजर फिल्म्स इंडियन 2, चंदू चैंपियन और इमरजेंसी एक साथ बॉक्स ऑफिस पर क्लैश करेगी तो क्या होगा। इस बीटाउन एक्ट्रेस ने ओपन की है एक नई रेस्टोरेंट।
ब्रह्मास्त्र एक्ट्रेस मौनी रॉय ने आज अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया कि वो अपने रेस्टोरेंट बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है और अपने फेमस रेस्टोरेंट बदमाश का नया ब्रांच बैंगलोर में ओपन कर रही है। आपको बता दें कि मौनी के बदमाश को मुंबई में बहुत सक्सेस मिली, जिसके चलते वो अब इस रेस्टोरेंट के मल्टीपल ब्रांचेस खोल रही है। बड़े मियां छोटे मियां बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। टाइगर और अक्षय कुमार स्टारर बड़े मियां छोटे मियां ने डिसेंट परफॉर्मेंस देखी वीकेंड पर। फिल्म ने सैटरडे को कलेक्ट किए 8.5 करोड़ और संडे को कलेक्ट किए 9.05 करोड़ और आज डे 5 पे अभी तक फिल्म की कलेक्शंस पहुंची है 98 लाख पर। फिल्म की टोटल कलेक्शंस फिलहाल है 41.78 करोड़ पर। नेगेटिव रिव्यूज और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ना देखने के बावजूद बड़े मियां छोटे मियां मैदान से बहुत आगे है अभी कलेक्शंस के मामले में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।